press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का ये टेस्ट है और इसमें मैंने 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं रोज की तरह। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको NVS LDC कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। आप हमारे रोज़ाना वीडियो देखते होंगे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे लिंक्स दे रखे हैं, जैसे इस PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और हर पेज पे आपको ये एक लिंक दिखाई देगी, वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं और वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा और सारे लिंक्स आपको वहीं दे दिए गए हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के फर्स्ट सेकंड वीडियो आपने अगर मिस कर दी हो तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपने मिस कर दी हो तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और हिंदी के भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपने मिस किए हैं तो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। NVS की मैंने स्पेशल एक प्ले लिस्ट बना रखी है NVS LDC करके, प्ले लिस्ट की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर जाकर हमारे सारे वीडियोस एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द नेट या NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको एक दो ईजी मिल जाएगा लेकिन आपको सारे मॉडरेट लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चन सारे इजी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं, आपने पढ़ाई की हुई होती है और इसलिए आपको क्वेश्चन इजी दिखते हैं। अच्छी बात है अगर यदि आपको क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको फर्स्ट सेकंड जो मेरा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेट रहा है तो उसमें जो लेवल था वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, द नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल्ड। जल्दी से आप इसका ऑप्शन गेस करिए। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, CLR। क्वेश्चन नंबर टू, इन ASP.NET इन फॉर्म पेज द ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स द यूज़र नेम इज। जो हमारा ASP.NET फॉर्म पेज होता है उसमें हमारा जो यूज़र नेम कंटेंट होता है वो क्या है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, page.user.identity। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द बेस क्लास फ्रॉम विच ऑल वेब फॉर्म इनहेरिट। गिवन ऑप्शन में आप ऑप्शन दे सकते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेज क्लास। दोस्तों, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा आंसर देने के लिए, आप जल्द से जल्द मेरे साथ ही आप क्वेश्चन करते जाइए और जल्द से जल्द ऑप्शन रीड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WSDL स्टैंड फॉर। आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे कि एक वर्ड दे देंगे उसका फुल फॉर्म पूछ देंगे, जैसे WSDL पूछ दिया, इसका फुल फॉर्म बताइए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू कनेक्ट डाटा फ्रॉम सम डाटा रिसोर्स टू रिपीटर कंट्रोल। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या उन नोट्स में से इस क्वेश्चन को शामिल कर लीजिएगा जो आप एग्ज़ाम देने के जस्ट एक दिन पहले पढ़कर जाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हमारा इसका ये भी ऑप्शन सही है, सेट द डाटा रिसोर्स प्रायोरिटी और बी कॉल द डाटा बाइंड मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफर। मतलब निम्न में से हमारा जो फास्टेस्ट मीडिया का डाटा का मीडिया फास्ट ट्रांसफर होता है वो निम्न में से कौन सा है। सही आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, फाइबर ऑप्टिक। मतलब ये वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम किसी भी डिवाइस से डाटा ट्रांसफर करते हैं उसमें सबसे तेज डाटा ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, या मतलब किस केबल के थ्रू होता है। तो ये हमारी
सारी केबल्स दे रखी हैं, बट इनमें सबसे अच्छी फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। आप इसको विद्वत से आराम से पढ़िएगा, हमारे पास ज्यादा समय ना होने कारण। अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट डज मैन स्टैंड फॉर, यानी कि ये जो हमारा मैन है या मेन, इसका फुल फॉर्म। मैंने पीछे भी अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही आपको MAN, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। फुल फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाए, क्योंकि आपको फुल फॉर्म 1 से 2 वहाँ देखने को मिलेंगे। तो हमारा इस फुल फॉर्म का फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सॉफ्टवेयर। मतलब बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सॉफ्टवेयर इंडिकेट कौन करता है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम प्रोग्राम ओनली। दोस्तों आप अक्सर देखते होंगे कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन जहाँ दिख जाता है आप डायरेक्ट वहीं क्लिक कर देते हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है आप इस पे चले जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा देखने को मिलता है ऑल ऑफ द अबव। अगर है तो वही ऑप्शन सही होता है या बोथ ए एंड बी सही होता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, यदि आपको लगता है ऑप्शन ए है बी आपने नहीं सुना है तो आप बी ऑप्शन को टिक मत करिएगा। इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान झेलने की ज़रूरत है नहीं। तो आप जो आपको पता हो वही आप करिएगा, जैसे इसमें 9 का आपको पता होगा सिस्टम प्रोग्राम्स ओनली है तो आप ए टिक करिएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखा जैसे ही सी ए एंड बी, तो आपने देखा ए तो सही है शायद बी मेरे दिमाग से फिसल गया हो, तो आप यहाँ टिक कराए, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोलॉजीज इज नॉट द ब्रॉडकास्ट टाइप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन करके जाइएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिंग। अगला क्वेश्चन, बग मीन्स, आप बग मीन्स आप ऑप्शन पढ़िए, मैं वेट करता हूँ। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा, अलॉजिकल इरन इन ए प्रोग्राम। आपको मैं बताना चाहूंगा बग, बहुत से बच्चे जानते होंगे बग्स के बारे में। आप अगर मोबाइल तो आजकल हर सभी के पास है, तो कोई भी अपडेट अगर देखते हैं उसमें अपडेट में जो अपडेट की जो डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है उसमें आपको लिखा होता है बग इम्प्रूवमेंट है, तो इसका मतलब होता है अलॉजिकल इरर इन ए प्रोग्राम। मतलब कुछ छोटा से छोटा गलती हो रही होगी उसको फिक्स करते हैं वो लोग, तो बग्स का मतलब एक लॉजिकल इरर इन ए प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रांसलेटर इन बेस्ट डिस्क्राइब एज। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन एन इंटरप्रेटर। दोस्तों आपको ऐसे भी क्वेश्चन वहां काफी सारे देखने को मिलेंगे जो आपसे 3 ऑप्शन सही देगा लेकिन एक ऑप्शन आपको बोलेगा इज नॉट ट्रू अबाउट एन इंटरप्रेट। ठीक है, इंटरप्रेटर, तो आप इसमें से 3 ऑप्शन तो आपके सही हैं। ठीक है, यानी ये तीनों भी सही हो सकते हैं, तो आप नन ऑफ द दीज में आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आप एक एक करके ऑप्शन पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रीटर इज काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। ये हमारा गलत है, ये हमारा ट्रू नहीं है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट ऑफ द कंपाइलर आर। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंटैक्स एरर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते तो हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस या अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो कृपया करके लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA। दोस्तों CDMA चलता हुआ CDMA GSM, तो दोस्तों मैंने CDMA का तो यहाँ फुल फॉर्म दे दिया है, अभी बता देंगे आप। GSM का मुझे कमेंट बॉक्स में कर इसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, GSM का क्या फुल फॉर्म होता है।
ठीक है, CDMA का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। ठीक है, हमारा 16वां क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। अगला क्वेश्चन, रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ ए डीपीआई, बी एलपीएम, सी सीपीएम या डी पीपीएम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपीआई। अगला क्वेश्चन, एमएस डीओएस इज यूजुअली सप्लाइड ऑन ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट्स। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीओएस प्रॉम्प्ट, आप निम्न में से देखिए और बताइए डीओएस प्रॉम्प्ट में कौन सा फॉलोइंग नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल डीओएस कमांड, ये सारे नॉट के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकअप। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ये समाप्त होता है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे नॉलेज सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।